एक ओर योगी सरकार ने मुफ्त राशन योजना को 3 महीने बढ़ा दिया और दूसरी ओर मोदी सरकार ने भी गरीब कल्याण अन्न योजना को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। खैर आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं मंथ का एक्शन अवतार। बुलडोजर रुकेगा नहीं, दरअसल योगी सरकार 2.0 की शपथ के बाद से ही पूरे उत्तर प्रदेश में बुलडोजर से ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू हो गई। मुजफ्फरनगर से मऊ तक बदमाशों की अवैध संपत्ति ध्वस्त की जा रही। आदित्यनाथ योगी, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। महंत के पंचअमृत में दूसरी सबसे बड़ी सौगंध है रुकेगा नहीं बुलडोजर। ये सीएम योगी की वो बुलडोजर सौगंध है जो उन्होंने यूपी चुनाव के दौरान ली। हमने कहा भी देखो विकास भी कराएंगे लेकिन बुलडोजर रुकेगा नहीं, माफिया के ऊपर बुलडोजर चलता रहेगा। विपक्ष की लाख कोशिशों के बावजूद भी बीजेपी का बुलडोजर दांव खूब पसंद किया गया। माफियाओं की अवैध संपत्तियों पर चलते बुलडोजर ने जनता का दिल जीत लिया और एक बार फिर बुलडोजर एक्शन के लिए तैयार है। योगी सरकार 2.0 में एक बार फिर बुलडोजर काम में जुट गया है। मुजफ्फरनगर, मऊ, बस्ती से सामने आई तस्वीरें इस बात की गवाह है जब गुंडों और बदमाशों की अवैध संपत्तियों को चुन चुन कर धराशायी किया जा रहा है, क्योंकि ये सौगंध है सीएम योगी की बुलडोजर यूं ही चलेगा। दरअसल इसको बुलडोजर के प्रतीक के रूप में बोल दिया गया है। किसी भी सरकार के लिए इस बड़ा हार्श नाम होता है बुलडोजर सरकार कहलाना, और मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को भले ही ये वोटों के लिए ठीक नाम लगता हो और बड़ा कैची लगता हो, लेकिन किसी भी सरकार के साथ बुलडोजर बाबा या बुलडोजर नाम जुड़ना ठीक नहीं है, उनको ये सुधारना चाहिए। लेकिन अगर इसका अर्थ कानून और व्यवस्था से है तो बहुत स्वागत है उसका, और मुझे लगता है कि कानून व्यवस्था से वोट उनको ज़्यादा मिला है, बुलडोजर से उतना नहीं मिला। अपराधियों पर शिकंजा कसने वाली ये वो बुलडोजर शपथ है जिसने योगी आदित्यनाथ के विजय तिलक में अहम भूमिका निभाई। इसे आंकड़ों से भी समझा जा सकता है। दरअसल योगी राज में माफियाओं के खिलाफ 11,930 मुकदमे दर्ज किए गए जबकि 630 अपराधियों के खिलाफ रासुका के तहत कार्रवाई हुई। इसी तरह 1800 करोड़ की अवैध संपत्ति जब्त या ध्वस्त की गई और 43,294 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। कानून व्यवस्था को लेकर जो संकल्प सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिया था उन्होंने उसे असल में सच साबित करके दिखाया। ऐसे में लंबे अरसे से माफिया का जुल्म सितम सह रही यूपी की जनता ने न सिर्फ राहत की सांस ली बल्कि सरकार की कार्रवाई से उनका भरोसा सरकार में काफी हद तक बढ़ा, और यही वजह है कि यूपी में योगी सरकार के पक्ष में लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इसलिए एक बार फिर योगी राज दोबारा में दिखाई देने लगा है बुलडोजर का एक्शन। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा।